अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है, मैं 17 साल की हूँ। मेरी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी मेरी मम्मी को, तो उनके बाद मेरे अबू ने मेरी शादी कर दी थी और इसकी वजह से मेरी बुआ की तरफ मेरी शादी की थी। तो उसकी वजह से मेरी बुआ ने मुझ पर यानी कि जुलम वगैरह करना शुरू कर दिया। और क्या नाम है, मेरे अबू ने उनसे कुछ रकम गई थी, उसकी वजह से मेरे अबू ने मेरी बुआ की तरफ मेरी शादी कर दी। उनको दे नहीं सके और उन्होंने मेरी शादी कर दी। उन्होंने बोला ये आपकी है, इसके साथ जो मर्जी करें। और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से मैं अब यहाँ पर ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, मेरी वो मुझे बोलती थी कि तुम भी गोलाई करो और हमारे पैसे पूरे करो। तो मैंने नहीं किया, मैंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने फिर मुझे साबित करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मैं उनके पास रहती तरह मुझे ट्रीट किया और मेरे साथ बुरा सलूक किया। फिर भी मुझे मेरे हस्बैंड मेरी ननद वगैरह कहती थी कि हम बीगो लाइफ यूज़ करो और इसके ऊपर बैठ के हमें पैसे कमा के दो। और मेरा शोहर भी मुझे यही इसी वजह से इसी बात पे उकसाता था और उसकी वजह से मुझे मारता भी था। और एक दफ़ा उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था रात में सर्दी में मेरे बच्चे के साथ 12 बजे। और मैंने कॉल की अपनी बड़ी बहन को और वो मुझे लेने आई थी, तो मैं उनके घर में चले गई 3-4 दिन वो मेरे साथ सेट रही। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक करना बंद कर दिया। और उसके बाद मेरे बहनोई जो उनसे थे वो मुझ पर गंदी नज़र रखना शुरू कर दी। बहन भी मेरे साथ 2-4 दिन सेट रही और उसके बाद मेरी बहन ने यानी कि मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तुम अपना इंतज़ाम करो, कहीं और जाके रहो, मेरे पास यहाँ पर ना रहो, क्योंकि मेरा हस्बैंड एतराज़ करता और साथ में मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती। और उसके बाद मैं यानी कि अभी तक अपनी बहन के पास हूँ। मेरा बहनोई जो है मुझे कभी हाथ पे, कभी बाजू पे, कभी कंधे पे टच कर देता है और मुझ पर गंदी नज़र रखता है। मुझे बुरा काम करने के लिए उकसाते हैं अपने साथ। मैं अगर मना करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाओ। मैं यहाँ पे खाती हूँ, यहाँ पे पीती हूँ, इसी वजह से मुझे ये बातें सुना के कहता है निकलो यहाँ से। और मुझे बाहर दरवाजे के पास बिठा देता है, कहता है यहाँ पे रहो तुम लोग, अब मैंने नहीं तुम्हें अपने घर रखना। और मेरी बहन भी उनके साथ मिल जाती है और वो मुझे बाहर निकाल देते हैं। फिर मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, कहाँ पर रहूँ अपने बच्चों को लेकर? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना था। सिर्फ मेरी माँ फोत हो गई है उनकी वजह से, यानी कि मेरे यहाँ तक नौबत आ गई है। अभी मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसे इंसान मिले जो मेरा ख्याल रख सके, मेरे बच्चों को देखे, मेरी हर चीज़ अफोर्ड करे। तो इनके जैसा बिल्कुल भी ना हो, इनके जैसा हो। और मैं इस तरह का इंसान चाहती हूँ कि मेरे आखिर तक मेरा साथ दे।